राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 5 दिनों तक चलेगी ये प्रदर्शनी। प्रदेश के सभी 75 जिलों के एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आने वाले उत्पादों को किया जाएगा प्रदर्शित। लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल हुआ पास। 2/3 से अधिक बहुमत से नारी शक्ति वंदन बिल को मंजूरी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पारित होने के बाद आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश। चर्चा के लिए दिए गए हैं 7.5 घंटे। राज्यसभा में भी मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को मिलेगी अभूतपूर्व गति। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने पर दिया बड़ा बयान। कहा, 2029 चुनाव से पहले कोटा लागू होने की उम्मीद। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद होगी जनगणना, फिर बदलेगा आरक्षण के लिए चुनावी परिसीमन। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने में विपक्षी दलों ने भी दिया साथ। विधेयक के पक्ष में किया मतदान। चर्चा के दौरान विपक्ष ने अपनी चिंताओं से सत्ता पक्ष को कराया वाकिफ। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यह विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए उत्सव का क्षण है। पिछले 9 साल में अंतरिक्ष विभाग के लिए 142% बजट आवंटन बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को 23 सितंबर को देंगे एक बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री काशी में राजा तालाब के गंजारी में 330 करोड़ रुपए बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रखेंगे आधारशिला। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया परामर्श। सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा का विचार करने वालों से सावधानी बरतने का किया गया आग्रह। एनआईए ने खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क को देश विदेश में ध्वस्त करने के लिए की बड़ी कार्रवाई। खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा समेत आतंकियों पर घोषित किया भारी इनाम। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भव्य तैयारी चल रही है। विहिप देश के 4000 संतों को निमंत्रण देगा। यह फैसला अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक में लिया गया है। दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। दिल्ली के बाद देश का दूसरा एयरपोर्ट होगा जिसमें टर्मिनल 3 के जरिए इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट से कर जाएंगे यात्री। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में डेंगू का कहर। लखनऊ में अब तक 450 डेंगू मरीजों की है खबर। पिछले 24 घंटों में आए 15 नए रोगी। एक्शन मोड में आई यूपी सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सरकार कर रही है पूरी तरह से निगरानी। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में स्थित प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में दूध पीने से 25 बच्चे हुए बीमार। सभी बीमार बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बच्चों को पेट में दर्द उल्टी की शिकायत थी। लखनऊ अयोध्या में महिला सिपाही के साथ बर्बरता मामले को लेकर डीजीपी ने सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश। कोच के साथ साथ इंजन में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कॉमिक पात्र चाचा चौधरी और साबू का लिया सहारा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कॉमिक्स बुक चाचा चौधरी और चुनावी दंगल में 62 प्रश्नों वाली डिजिटल कॉपी की जारी। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कहीं तेज तो कहीं सामान्य तो कहीं हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज से यूपी में बारिश का सिलसिला और बढ़ेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले हुआ लॉन्च। आईसीसी द्वारा जारी वर्ल्ड कप 2023 एंथम सॉन्ग में रणवीर सिंह और धनश्री वर्मा ने लूटी महफिल। विश्व कप से पहले तैयारी के लिए आखिरी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आज करेंगे प्रैक्टिस। 22 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला। डायरेक्टर एसएस राजामौली ने अपनी नई फिल्म मेक इन इंडिया का किया ऐलान। इस फिल्म को राजामौली के बेटे कार्तिकेय और वरुण गुप्ता कर रहे हैं प्रोड्यूस।